अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। भारत के लिए इस बदलाव के क्या मायने हैं, उसे समझने के लिए ये जानना होगा कि किन देशों के साथ भारत की खटपट है। पहला नाम फिलहाल कनाडा का है, वही कनाडा जो अमेरिका का पड़ोसी भी है। कनाडा पर क्या ट्रंप की नीति और कैसे भारत से पंगा लेकर ट्रूडो अलग थलग पड़ने जा रहे हैं, उसको इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अमेरिका में ट्रंप की इस जीत से कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स निराश थे, लेकिन उससे ज्यादा सदमे में शायद दो और शख्स थे। पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और दूसरा पार्ट टाइम सांसद और फुल टाइम खालिस्तानी जगमीत सिंह। जैसे ही व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी सुनिश्चित हुई, ट्रूडो ने ट्रंप के साथ तस्वीर पोस्ट कर बधाई की औपचारिकता पूरी की। लेकिन खालिस्तानी जगमीत सिंह का गम ज्यादा देर तक दिल में छिपा नहीं और जुबां पर आ गया। Right now, it looks like Trump's election is going to have serious impacts on Canadians. So we need to come together, all parties, all leaders, and put Canadian interests first. जिस जगमीत सिंह को ट्रंप की सत्ता वापसी से डर सता रहा है, वही जगमीत सिंह कनाडा में खालिस्तानियों के आतंक को खाद पानी देता है। 4 नवंबर को जनहित में ही एबीपी न्यूज ने जगमीत सिंह और भारत विरोधी ताकतों के गठजोड़ का पोस्टमार्टम किया था। बताया था किस तरह ट्रूडो राज में भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंक को पनाह दी जा रही है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के आरोप कनाडा ने भारत पर मढ़े। खालिस्तान प्रेम में भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े, यहां तक कि ट्रूडो ने भारत को 5i की गीदड़ भपकी भी दे दी थी। ट्रूडो का ये दाव कैसे उल्टा पड़ा, उसे समझने के लिए पहले 5i को समझिए। ये 5 देशों का ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। ये दुनिया में कहीं भी जासूसी, फोन टैपिंग, सीक्रेट ऑपरेशन, मिलिट्री और सिविल इंटेलिजेंस को अंजाम देते हैं। भारत के कनाडा के अलावा 5i में शामिल बाकी 4 देशों से संबंध अच्छे हैं, लेकिन 5i में शामिल सबसे मजबूत स्तंभ अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया है। इस बदलाव से भारत की स्थिति तो बेहतर हुई है, लेकिन ट्रूडो और ट्रंप के बीच के रिश्तों की कड़वाहट की वजह से अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में भूचाल आ सकता है। ट्रंप और ट्रूडो के रिश्तों की खटास को 2018 की इन तस्वीरों से समझिए। कनाडा में G7 की बैठक के दौरान ट्रंप गंभीर मुद्रा में थे। ट्रूडो माहौल को सामान्य बनाने की नाकाम कोशिश में जुटे थे, लेकिन ट्रंप ने मीटिंग के बाद एक्स पर पोस्ट लिखकर ट्रूडो को कमजोर और बेईमान करार दिया था। कोविड के वक्त तो ट्रंप ने ट्रूडो को वामपंथी पागल तक कह दिया था। भारत पर 5i की दबंगई और दादागिरी की धौंस दिखाने वाले ट्रूडो के लिए महीने भर में वक्त और जज्बात बदल गए हैं। 5i के बिग बॉय ट्रंप की नीतियां कनाडा के लिए किसी झटके से कम नहीं है। कनाडा के गुड एंड सर्विस 75% निर्यात अमेरिका को है। ट्रंप ने चुनाव में 10% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। टैरिफ लागू होने से कनाडा की इकोनॉमी को $7 बिलियन का नुकसान होगा। कनाडाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने देश में मंदी की आशंका जताई है। कनाडा और अमेरिका दुनिया में सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच $1 ट्रिलियन से ज्यादा का व्यापार है। इतिहास दोनों देशों की दोस्ती की गवाह है, लेकिन ट्रूडो राज में सब कुछ बदल गया। हालांकि कनाडा में अगले साल चुनाव है, जिस तरह से ट्रूडो के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी है, उससे उनका सत्ता में लौटना मुश्किल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब वो सत्ता में आएंगे तो 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे। अब तो अमेरिका की जनता ने उन्हें बहुमत भी दे दिया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आक्रामक रवैये वाले ट्रंप वाकई में दुनिया में शांति स्थापित करवा देंगे? जनहित में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने अपने पहले भाषण में जो कहा, उसे आपको एक बार फिर सुनना चाहिए, क्योंकि कल 14 सेकंड में ट्रंप ने जंग को लेकर जो बड़ी बात कही, वो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई है। फोर ईयर्स वी हैड नो वॉर्स एक्सेप्ट वी डिफीटेड आईएसआईएस। We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. तो सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि वो दुनिया में जंग नहीं होने देंगे। वैसे ट्रंप की बातों में सच्चाई तो है,
क्योंकि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस वक्त दुनिया में किसी नई जंग की शुरुआत नहीं हुई। लेकिन अब जब वो जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा? यह सवाल जब ट्रंप से किया गया था तब उन्होंने जंग रुकवाने का अपना प्लान बताया, हालांकि प्लान बड़ा ही बचकाना सा लगता है। ट्रंप ने कहा था कि वो जेलेंस्की को अच्छे से जानते हैं और पुतिन को तो और भी अच्छे से। वो क्या करेंगे कि दोनों के साथ डील करेंगे। वो जेलेंस्की को बोलेंगे कि जंग रोक दो और डील कर लो, और यही बात वो पुतिन से भी कहेंगे। ट्रंप ने कहा था कि वो पुतिन का बड़ा फायदा कराएंगे, ऐसा फायदा जो आज तक कभी नहीं हुआ। और ट्रंप के मुताबिक एक दिन में वो डील क्लोज कर देंगे और जंग खत्म हो जाएगी। खैर, आप भी इस बात को जानते हैं कि यह काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी जिन दो मोर्चों पर लड़ाई जारी है वहां अमेरिका का बड़ा रोल है। ऐसे में अगर ट्रंप ने अपने हाथ पीछे खींचे तो इससे जंग पर क्या असर पड़ सकता है? इन तमाम आशंकाओं को हम अपनी रिपोर्ट में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। And I'll stop that war, mark my words, I'll stop that war in 24 hours. If you can stop the war during 24 hours, I think it will be enough to come to Kiev. ये दोनों बयान कुछ महीने पुराने हैं, लेकिन आज इनकी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 24 घंटों के अंदर जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप अब चुनाव जीत चुके हैं। तो क्या चुनाव जीतने के बाद ट्रंप यूक्रेन को दी जाने वाली मदद बंद करवा देंगे? अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो इससे यूक्रेन की कमर टूट जाएगी, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के दम पर ही टिका है। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 5,40,000 करोड़ की मदद दी है। खबरें हैं कि अब ट्रंप की ताजपोशी से पहले अमेरिका की संसद यूक्रेन को बड़ी मदद दे सकती है, लेकिन ट्रंप ने कह दिया था कि वो जीतने के बाद यूक्रेन को एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अगर अमेरिका ने इसी तरह जंग के दोनों मोर्चों से अपने हाथ खींच लिए तो लड़ाई का रुख बदल जाएगा। यूक्रेन वाला जो है उसे रोकने में अमेरिका बिल्कुल अपनी मदद की कटौती कर सकता है, क्योंकि ट्रंप का प्रयास होगा जल्दी से जल्दी जेलेंस्की और पुतिन को एक टेबल पे बिठा करके एक नेगोशिएट डील करवाए। इधर इजराइल के लिए भी ट्रंप के साथ काम करना नया होगा। हालांकि ईरान के लिए ट्रंप किसी काल से कम नहीं। उनके न्यूक्लियर डील से अमेरिका ने जब 2018 में हाथ पीछे किए उस वक्त ट्रंप की ही सरकार थी। और एक बात, ट्रंप की मानसिकता भी दूसरे अमेरिकी नेताओं से हटकर है। जब पश्चिमी देश रूस और नॉर्थ कोरिया को खतरा बता रहे थे उस दौर में ट्रंप किम जोंग और पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। ट्रंप की डिप्लोमेसी का तरीका बाइडेन से काफी अलग है, और इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जंग में उनका रोल बड़ा होगा। दुनिया में क्या शांति आगे आने वाले वक्त में आने वाली है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ABP News आपको रखे आगे।